इमेजिन करिए ये 2012 का साल है और आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेकर के काफी सीरियस है, एक स्टूडेंट जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इसीलिए उसने अपने घर के पास में जो सर है उनके पास में कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है। अब स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, लेकिन उसकी समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। स्टूडेंट चाहता है कि वो इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सके। अब बगल वाले सर अपने कोचिंग का टाइम रखते हैं शाम को 5 बजे, पर वो चाहता है कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब वो चाहे तब वो पढ़ सके। कितना अच्छा होता अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती तो, है ना? तो पॉसिबल है, क्योंकि हम 2012 में नहीं 2024 में बैठे हैं और ये सारी चीजें आज पॉसिबल है ऑनलाइन एजुकेशन के कारण। कितने सारे फायदे हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और पैसा बचता है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है वो भी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और फीस ऑफलाइन के कंपैरिजन में वो तो कम होती ही है। लेकिन क्या ऑनलाइन एजुकेशन इतना ही अच्छा है? क्या सारी चीजें बिल्कुल सही हैं? वहां पर भी तो कुछ प्रॉब्लम होंगी ना। रिकॉर्डेड लेक्चर देखते देखते कई बार मन नहीं लगता, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछा गया आपका सवाल, कभी उसका जवाब नहीं मिलता, और अगर मोबाइल पर पढ़ने बैठ गए तो आपके परम मित्र और ये सारी कायनात रील भेज भेज कर लग जाती है आपको डिस्ट्रैक्ट करने। कितना अच्छा होता अगर हम ऑनलाइन की बेस्ट फैकल्टी के लेक्चर्स को ऑफलाइन के फोकस के साथ में देख पाते, है ना? तो ये पॉसिबल है क्योंकि आपने क्लिक किया है सही वीडियो पर। आज मैं संदीप भैया, असली संदीप भैया, आपको बताऊंगा ऑनलाइन पढ़ने के ऐसे 5 हैक्स जिसे अगर आपने इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो आपकी ऑनलाइन स्टडीज और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अंडररेटेड चीज, अपने घर में एक प्रॉपर डेस्क बनाना और उस डेस्क पर बैठ करके पढ़ाई करना। ये जो आप बिस्तर पर लेट करके बैठ करके बिस्तर में घुस के पढ़ाई करते हैं ना, इसे पढ़ाई नहीं कहते, क्योंकि शुरू में आप बैठ कर पढ़ रहे होते हैं, धीरे से आपके पैर फैल जाते हैं, फिर आप लेट जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं और पढ़ाई वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक डेस्क पर बैठ कर पढ़ाई करें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका फोकस बढ़ेगा और दूसरी चीज ये होगी कि जो आसपास आपके लोग होंगे उन्हें भी लगेगा कि बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और सिर्फ मेरे कहने से नहीं, कितनी ही सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप एक क्लीन डेस्क पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो अभी से ही घर में कोना ढूंढना शुरू करो और वहां पर अपना स्टडी डेस्क बना ला लो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरे पास है आपके लिए 5 सवाल। अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिएगा और अगर ना में है तो 0 नंबर दे दीजिएगा। सवाल बड़े सिंपल है, जैसे कि क्या आप जहां से भी पढ़ाई करते हैं वहां पर आपके सारे डाउट सॉल्व हो पाते हैं? क्या आप प्रॉपर स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं? क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त रील्स और मैसेजेस के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाते हैं? क्या आप पढ़ाई करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं? और क्या आप क्लास के साथ साथ में क्लास के नोट्स भी बना पाते हैं? तो ये रहे मेरे 5 सवाल। अब अपने जवाब के अकॉर्डिंग अपने आप को आप नंबर दे दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने नंबर मिले। अब चलिए आपके स्कोर इंप्रूव करते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि पढ़ाई करते टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आता कैसे है? अपने परम मित्र की रील से, राइट? और ये डिस्ट्रैक्शन आता कहां पर है? मोबाइल फोन पर, राइट? तो बेटा आप ये काम करो, सबसे पहले तो अगर फोन पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो जितनी भी एप्लीकेशन होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, इवन व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, आप उनके नोटिफिकेशन को कर लीजिए बंद ताकि पढ़ाई के दौरान आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और दूसरी चीज ये करिए कि जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो अगर तब किसी का भी कॉल या मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई आप लेक्चर खत्म होने के बाद ही करिए, जैसा कि आप ऑफलाइन में करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि क्लास अटेंड करते करते किसी का फोन आया तो आपने सर को रुकवाया और क्लास में फोन अटेंड कर लिया, नहीं होता ना। तो सेम चीजें आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी फॉलो करनी है। अब ये चीजें फॉलो करिए और डिस्ट्रैक्शन को अपनी पढ़ाई से कर दीजिए दूर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो या तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होते हैं या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी सर से पढ़ रहे होते हैं। लेक्चर्स और सिलेबस तो उनका वहां पर कंप्लीट हो जाता है लेकिन डाउट वो वहां पर रिजॉल्व नहीं हो पाते। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बिल्कुल बराबर है। और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो लाइव क्लासेस के दौरान आप डाउट पूछते हैं उनका कितना रिजोल्यूशन आता है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हमेशा कभी भी जब आप पढ़ाई को लेकर के अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें या कोई YouTube चैनल सिलेक्ट करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहां पर सिर्फ सिलेबस नहीं कवर होता, आपके डाउट को भी पूरी तरीके से सॉल्व किया जाता है। वैसे आपके सारे डाउट सॉल्व हो पाए इसका एक बेहतर तरीका मेरे पास भी अवेलेबल है, हमारा अपना अरिवियान। अरिवियान पर हम आपको इंटरेक्टिव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाते हैं जहां पर पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स आपसे बीच बीच में सवाल भी पूछते हैं ताकि लेक्चर आपको बोर ना लगे। इसके साथ ही आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो सके इसके लिए हमने बनाया है हमारा आस्क डाउट का फीचर, जिसमें आप बोल करके
टाइप करके या फिर फोटो क्लिक करके अपने कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और उनका टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। इसी डाउट फीचर का यूज करते हुए हमारे पिछले साल के एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स ने एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में धूम मचा दी और इस साल अरिब यहां लेकर के आया है उन्नति बैच 2025 के बच्चों के लिए, जिसमें हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जो एक स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए चाहिए होती है। तो अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो मेरे पास आपके लिए एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके अलावा आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं असली 20। तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और बैच में एनरोल कर लीजिए। अब इमेजिन करिए आपके सामने दो स्टूडेंट्स का एग्जांपल है, एक है हमारे फेवरेट रेंचो और दूसरे है चतुर रामलिंगम। चतुर ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है और पूरे ध्यान से पढ़ता है ऑनलाइन क्लास के दौरान, लेकिन जो नोट्स होते हैं वो क्लास के बाद बैठकर बनाता है और चतुर के नोट्स तो इतने सुंदर होते हैं कि आप देखकर ही वाह बोल जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है रेंचो जो क्लास को तो ध्यान से पढ़ता है लेकिन कोशिश करता है कि रफ नोट्स हो, छोटे मोटे नोट्स हो, वो क्लास में पढ़ते पढ़ते ही बना ले। अब आपको क्या लगता है कौन सा स्टूडेंट है जो ज्यादा स्मार्ट है? अब देखिए, एक चीज को ध्यान में रखिए, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको रिविजन भी करना होता है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकालना होता है। तो कोशिश करिए कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपके नोट्स भी साथ साथ ही बनाने की हैबिट डालिए आप। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि क्लास में आपने पढ़ा लेकिन नोट जो है वो घर आकर के आप बना रहे हो। कोशिश तो आप वहां पर भी यही करते हैं ना कि सर अगर पढ़ा रहे हैं, मैडम अगर पढ़ा रही हैं, तो आप साथ साथ में आपके नोट्स भी बनाते चलें। तो सेम हैबिट को आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी इंक्लूड करना चाहिए। तो आप चतुर मत बनिए, रेंचो बनिए। नोट्स क्योंकि खूबसूरत नहीं, काम के होने चाहिए। एक स्टूडेंट है राजू, मैथ्स राजू का फेवरेट सब्जेक्ट है। अब राजू मैथ्स को स्कूल और कोचिंग में तो पढ़ता ही है, इसके अलावा उसने एक ऐप का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, साथ ही साथ वो यूट्यूब के वीडियोस भी देखा करता है। अब ये कहानी जो है ये सिर्फ राजू की नहीं है, आज की डेट में क्योंकि ऑनलाइन आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हर दूसरा बच्चा यही कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट के लिए तीन तीन जगह से पढ़ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतना समय सिर्फ लेक्चर्स को पढ़ने में ही लगा देंगे तो क्या आपके पास रिविजन या फिर सेल्फ स्टडी के लिए समय बचेगा? नहीं ना। तो जरूरी ये है कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए कि जिस टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिस एप्लीकेशन पर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, या जिस यूट्यूब वाले जो सर हैं उनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप उन्हें सिलेक्ट करिए और सिर्फ एक ही जगह से पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप तीन तीन जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या सीखा आज की वीडियो में हमने? कि दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही है और ऑनलाइन में हमें कई सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। हमें जरूरत है कि ऑनलाइन स्टडीज को कैसे इफेक्टिवली हमारे बेनिफिट के लिए हम यूज कर पाए। तो अगर वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो, अच्छा सीखने मिला हो, तो कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करके यूट्यूब को ये बताइए कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी अगर पढ़ाई के लिए आप हमारी उन्नति बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो लिंक जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।